उल्हासनगर महानगरपालिका के कार्यक्षेत्र में शासन आपल्या दारी ये मुहिम चलाई जा रही है। ये मुहिम दिनांक 23 जनवरी से 14 फरवरी तक 21 चरणों में चलेगी, जिसका टाइम सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक है। इसके अलावा हमारे उल्हासनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कार्यक्षेत्र में विकसित भारत संकल्प यात्रा ये भी मुहिम चलाई जा रही है। उसका एक दिन में 2 चरणों में उसकी मुहिम रखी गई है, जो 10 से 1 और 2 से 5 ऐसा उसका चरण आयोजित किया गया है, जिसमें LED स्क्रीन वाली एक वैन भी है, जिसके द्वारा विविध योजनाओं का वहाँ प्रचार प्रसिद्धि किया जाता है। इस तरह से दोनों मुहिम जो साथ साथ में चल रही है, इसका लाभ हमारे उल्हासनगर महानगर पालिका क्षेत्र के सभी लाभार्थियों को, वैयक्तिक योजनाएँ जो होती है उसके लाभार्थियों को उसका निश्चित रूप से लाभ हो रहा है, और बहुत बड़ी मात्रा में लोग वहाँ भीड़ करके आ रहे हैं, जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, और वैयक्तिक योजनाओं के लाभार्थियों के द्वारा वहाँ पे उसका जो आवेदन पत्र होता है वो आवेदन पत्र भी भर के लिया जा रहा है, जिसकी प्रशासकीय कार्रवाई करके उसको भविष्य में उसका लाभ दिया जा सके। इस तरह से अभियान उल्हासनगर कॉर्पोरेशन के एरिया में चल रहा है, तो मेरा सभी नागरिकों से अपील है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वहाँ उपस्थित रहें और वैयक्तिक योजनाओं का लाभ लें। सर, कौन से स्कूल में अभी इसका योजना चालू है? विविध 21 जगह पे है, केवल स्कूलों में नहीं है, कुछ जगह समाज मंदिर में है, कुछ जगह स्कूल में है, कई जगह गुरुद्वारा में भी था। जो ऐसे सार्वजनिक जगह होती है जहाँ आसपास के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वहाँ आना सुविधाजनक होता है, ऐसी जो जगहें वहाँ चुनी गई है, इस तरह से वो हर एक पैनल में आयोजन किया गया है। आज 9 तारीख को उल्हासनगर कॉर्पोरेशन के स्कूल नंबर 28 जो दसरा मैदान स्थित है वहाँ पे शासन आपलेदारी में है। कल काली माता मंदिर कुर्ला कैंप के आसपास रहेगा, और फिर उसके बाद 12 तारीख को उमापा शाला 5, और फिर 13 तारीख को समाज मंदिर कैलाश कॉलोनी स्थित है वहाँ पे, और 14 तारीख को पैनल क्रमांक 8 में राम रखियानी गार्डन में शासन आपलेदारी में ये योजनाएं होंगी, जहाँ पे विकसित भारत का भी मुहिम चलाई जाएगी। इसके अलावा भी जो कुछ स्थल है वहाँ विकसित भारत में, वो भी ऐसी सार्वजनिक जगहों पे रखे गई हैं जहाँ वैन आएगी। तो आप इस तरह के सारे शहर में हमने इस प्रचार प्रसिद्धि के बैनर्स, जो नियोजन पत्रिका होती है उसके साथ हमने बैनर्स लगाए हैं। उल्हासनगर कॉर्पोरेशन के सोशल मीडिया में भी हमने इसका प्रसिद्धि दिया है, और अखबारों में भी हमने, प्रिंट मीडिया में भी हमने हमारा ये नियोजन आया है। तो संबंधित लाभार्थी ये नियोजन देख के आप कहीं भी उपस्थित रह सकते हैं। इसमें कौन सी योजना है? इसमें वैयक्तिक लाभार्थी की योजना यानी आभा कार्ड है, आयुष्मान भारत कार्ड है, दिव्यांग भाइयों के लिए वैयक्तिक जो साधन सुविधा दी जाती है उसका लाभ है, आधार कार्ड जो अपडेशन है, नया कार्ड निकालना है या उसमें कुछ चेंजेस है वो भी वहाँ कर सकते हैं। विकसित भारत में हेल्थ कैंप भी आयोजित किया गया है, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से राशन कार्ड बनाने हेतु भी मार्गदर्शन वहाँ पे हो रहा है। महाराष्ट्र शासन के समाज कल्याण विभाग की ओर से भी वैयक्तिक योजनाएं होती है, वहाँ के विभाग के अधिकारी भी वहाँ पे बैठे हुए हैं। ऐसी तरह से 10 से 12 वैयक्तिक योजनाओं का लाभ वहाँ पे लिया जा सकता है। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।